कन्नौज में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम यादव ने प्रदेश में लगाए स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कहा है कि सरकार ने स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उपभोक्ताओं के घर पर चेक मीटर लगाए जा रहे हैं। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय में बैठक कर सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि प्रदेश भर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स पहले से ही 30% पर सेट हैं। बहुत बड़ी धांधली हो रही है प्रदेश सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कह लीजिए। इसमें लगभग 30% एक्स्ट्रा मीटर बढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने संबंध में ज्ञापन भी दिया था, दे रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। एक दिन में लगभग एक सर्वे करवाया गया है 12 पे, तो एक दिन में आपको बताएं कि 12 लाख लोगों की लगभग कॉल आई। उसमें आप 12 लाख का भी आंकड़ा अगर मान लें तो लगभग 60 करोड़ रुपए पर डे घोटाला का सरकार के पास पहुंच रहा है। आप सरकार से कोई कंप्लेन करिए या उपभोक्ता करता, हम लोग ज्ञापन देते हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन मीटरों के जरिए उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि जहां चेक मीटर लगाए जा रहे हैं वो बदले जाएं, आने वाले दिनों में बिजली बिल में पैसे संयोजित किए जाएं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। इस मौके पर ऋषि मिश्रा, नारायण चंद्र मिश्रा, शिवम दुबे आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।